अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जो आपको रेसिपी सिखा रहा हूँ वो है चॉकलेट वनीला फ्रेंच स्लाइस, जो कि बच्चों के बहुत फेवरेट है। इसके लिए हमें 3 eggs चाहिए, ये वनीला एसेंस है ये चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए ये चॉकलेट एसेंस है, और नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए ये चोको पाउडर है। ये देखिए नाज़रीन, ये इतने ज़बरदस्त बनेंगे। और ये शुगर है, और ये कप हमें दूध चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बाउल लेना है आपने, उसके अंदर हमने ये 3 eggs जो हम ऐड करेंगे इस तरह से। नाज़रीन ये इतने ज़बरदस्त, इतने मज़े के, इतने चॉकलेटी बनते हैं कि ये बच्चों को बहुत बेहद पसंद आते हैं। और इस तरह के फ्रेंच फ्राइज आपको पहले कभी नहीं मिले होंगे, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। इस तरह से नाज़रीन आपने अब एग्स को अच्छी तरह से जो है ना वो फेंट लेना है इस तरह से। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, ऑलमोस्ट 3 tablespoons जो हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। ये मीठे चॉकलेटी और इसमें जो वनीला की खुशबू आएगी, एसेंस जो हम ऐड करेंगे, और बच्चे इसको बेहद पसंद करेंगे। नाज़रीन चीनी ऐड करने के बाद हमने इसमें ऑलमोस्ट 1 cup जो हमने लिया हुआ दूध का वो ऐड करना है। उसके बाद हमने ये वनीला एसेंस ऐड करना है, ये जस्ट 1 drop आपने ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं हमने ऐड करना। इस तरह से जस्ट 1 drop इस तरह से हम लेंगे, ये देखें ये जस्ट 1 drop है, ये आपने इसमें ऐड कर देना है। इसी तरह से नेक्स्ट जो हम ये चॉकलेट एसेंस लेंगे। इस तरह नाज़रीन आपके फ्रेंच स्लाइस का जो है ना वो टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा, चॉकलेटी सा, और बच्चे चॉकलेट वैसे ही बहुत पसंद करते हैं। इस तरह से आपने ये चॉकलेट एसेंस जो इसमें ऐड कर देना है। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो चोको पाउडर है। आपने नाज़रीन इस तरह से चोको पाउडर जो है वो जो आपका 1 tablespoon होता है उसका भी चौथाई हिस्सा आपने सिर्फ लेना है इस तरह से। ये अब आपने ऐड कर लेना है। अब आपने सारी चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करना है इस तरह से। ये देखें आप इसको जितना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ये इतना ही ज़बरदस्त किस्म का मिक्सचर रेडी होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अच्छी तरह से, जब हम इसको मिक्स कर लेंगे तो जो मिक्सचर की शेप आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने जो है अपनी ब्रेड को, स्लाइस को इसके अंदर अच्छी तरह से डिप करना है ऐसे, और जो तवा मैंने गरम किया है उसके ऊपर घी जो है हमारा ऑलरेडी गरम है। ये देखें इस तरह से आपने स्लाइस लेना है और इसको अपने मिक्सचर में जो हमने बनाया उसमें डिप करके आपने इस तरह से फिर इसको फ्राई कर लेना है। ये देखें और ये इतना सॉफ्ट, इतना मज़े का बनेगा कि आपके बच्चे खुश हो जाएंगे इस तरह से। ये देखें नाज़रीन आपने दोनों साइड से, ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, शक्ल देखें नाज़रीन इसकी कितनी प्यारी बन के आई है। ये देखें ये हमारा रेडी हो गया हुआ है, इतना सॉफ्ट, इतना मज़े का, इतना चॉकलेटी है और मीठा है। इस सुबह सुबह आप अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए बना कर दें, वो बहुत खुश होंगे। लंच के तौर पे आप अपने बच्चों को ये बना कर दें स्कूल के लिए, और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चोको पाउडर जो ऊपर से ऐड करूँगा इस तरह से, ये बच्चों को बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, बड़े भी खा सकते हैं इसको शौक़ से, बच्चे भी। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।